कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पहले तो डराया जाता है उनके नेताओं को, फिर चलिए पार्टी में भाजपा में शामिल कर दिया जाता है। थैंक यू। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे कार्य, टोल प्लाजा का मुद्दा, ये नहीं हल हुए। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बैठे हैं। जो श्रीमान बलदेव शर्मा जी का बयान, वो उनका अपना पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रोहित दुबे जी हैं। बन रहा है ताराकोट मार्ग से लेकर ऊपर तक, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं, आपके साथ यहां हम कटरा की जनता के साथ हैं। उस पर क्लियर कट आप कुछ नहीं। श्रीमान रोहित दुबे जी जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, कटरा के रहने वाले हैं, 3 बार नितिन गडकरी जी से मिले, गवर्नर साहब से मिले, रमन बाला जी से ये सवाल किया गया कि जो रोहिंग्या है उन्होंने उल्टा भाजपा पर आरोप लगाए हैं और जो जमीन के पैसे हैं वो भी भाजपा के नेता को मिले। देखिए ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, उसमें 5 न्याय की बात की गई है और 25 गारंटी की बात की गई है। सुना है आपने, युवाओं को न्याय, किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय की बात की गई है। 75 साल के बाद कांग्रेस को न्याय और इंसाफ याद आया। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ होगा। इन चुनावों के बाद दूरबीन लगाकर भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को ढूंढेगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हमारे स्थानीय नेता अजय नंदा जी का भी हम स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के रोहित दुबे जी, उनका भी दिल की गहराइयों से यहां पर स्वागत है। और खासकर जनता जनार्दन जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे पार्षद अशोक जी ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उनके साथ अश्विनी जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं अश्विनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की। और जितने लोग यहाँ पर हैं, चाहे सत्यपाल जी हो, अंकुश जी हो या करणदेव सिंह जी हो, आप लोगों के वोटों की जो कीमत थी, उन वोटों की वजह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस देश में आई थी। कामों की गति को देखते हुए अगर हम कहें तो काबिले तारीफ हमारी मोदी सरकार है कि 2014 से पहले देश में क्या हालात थे, कितने घोटाले होते थे, कितना कुछ होता था, लेकिन तब से लेकर 2014 से लेकर आज 2024 है, आप देख सकते हैं कि हमारे सैलानी भर भर के, कितने सैलानी हमारे जो देश भर से, हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू में, हमारे कटरा में, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ यहाँ रियासी जिले में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। रियासी हो, कटरा हो, पैंथल हो, बाबा धनसर का क्षेत्र हो, पनासा हो, भमाग, अरनास, ठाकरा कोट, सलाल जैसे इन सभी क्षेत्रों का जो दौरा हमने किया और गांव गांव में पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करके जनता से हमने निवेदन किया है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार इस देश के अंदर बने, इसके लिए रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनता का हमने आह्वान किया है। और जो जोश, जुनून और जज्बा इस जिला रियासी के अंदर हमने देखा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि रियासी विधानसभा क्षेत्र हो, श्री माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा का क्षेत्र हो, या गुलाबगढ़ जिसमें मोहर, गुलाबगढ़ चसाना का क्षेत्र आता है,
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, उसमें 5 न्याय की बात की गई है और 25 गारंटी की बात की गई है। सुना है आपने, युवाओं को न्याय, किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय की बात की गई है। आजादी के 75 साल पूरे हुए, जिसमें 60 साल से ज्यादा समय कांग्रेस ने देश पर हुकूमत की, और वो कांग्रेस जिसने सत्ता में रहते हुए देश के खजाने को लूटा, देश में अत्याचार किए, देश में जुल्म और सितम करने वाली कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम सिख को आपस में लड़ाने वाली कांग्रेस, समाज में जहर घोलकर सियासत करने वाली जमात कांग्रेस, गरीबों का खून चूसने वाली जो जमात है वो कांग्रेस, और आज 75 साल के बाद कांग्रेस को न्याय और इंसाफ याद आया। हजूर आते आते बहुत देर कर दी, कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ होगा। इन चुनावों के बाद दूरबीन लगाकर भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को ढूंढेगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की, देश भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने का काम कांग्रेस ने किया है। देश कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इस 2024 के लोकसभा के चुनावों में पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधान सेवक के नाते देश की भागडोर संभालेंगे। कल रमन बल्ला जी जो कि कटरा आए थे, उनकी रैली थी, फारूक अब्दुल्ला जी भी आए थे। रमन बल्ला जी से ये सवाल किया गया कि जो रोहिंग्या है उन पर आरोप लग रहा था कि उन्होंने बसाया है, उन्होंने उल्टा भाजपा पर आरोप लगाया है और जो जमीन के पैसे हैं वो भी भाजपा के नेता को मिलते हैं। देखिए, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, दुनिया जानती है किसने कहां क्या खेल खेला है, इसलिए पब्लिक से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। पब्लिक सबको जानती है, पब्लिक हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानती है कि किसने कब कहां जनता के साथ देश के साथ धोखा किया। कांग्रेस पार्टी का काम रहा है देश के साथ गद्दारी करना, इसलिए कांग्रेस आज लुप्त होने के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और इस डूबते हुए जहाज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बैठे हैं। अब इस डूबते हुए जहाज में जो बैठेगा वो भी डूबेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, यह निश्चित। भाजपा 10 साल से यहां से दो बार जो है सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जीत के जाते रहे। रियासी की जनता पूरे जिले की ये कहती है कि एक बार यहां से जो एमपी बन के जाता है वापस नहीं आता, और कई लोग कहते हैं, अपोजिशन भी कह रही है, जनता भी पूछती है, 10 साल के काम जो यहाँ के एमपी ने किए वो बताए जाए। बहुत सारे स्पॉन्सर्ड स्कीम को छोड़ के कोई काम, बहुत सारे काम, केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे कार्य, टोल प्लाजा का मुद्दा, ये नहीं हल हुए हमारे, हमें को मिल गया, हमारे लोगों के मुद्दे नहीं हल हो रहे हैं ना। आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनेंगे तो जी जी बताइए। एक जमाना था कि जब कांग्रेस की सरकारें होती थी और रियासी से कटरा और कटरा में से जम्मू सड़कों का खस्ता हालत होती थी, आज शानदार सड़कें हैं, ना केवल मुख्य मार्ग बल्कि गांव गांव के अंदर। आज जल जीवन मिशन, आज आयुष्मान भारत योजना कार्ड, मोदी सरकार हर व्यक्ति की जेब में गोल्डन कार्ड है जिससे एक एक साल में इलाज के लिए 5 लाख विद्यालय कहा गया था बनाने के लिए, और इसके साथ साथ बारीदार आपके बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पूरी कोशिश की, डेवलपमेंट की। आज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज, भमाग और अरनास के बीच में बन रहा है, अपने आप में अजूबा है। सर रोपवे भी बन रहा है ताराकोट मार्ग से लेकर ऊपर तक, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं। हम आपके साथ यहां भी कटरा की जनता के साथ हैं, उस पर क्लियर कट आप कुछ नहीं। श्रीमान रोहित दुबे जी जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं, कटरा के रहने वाले हैं, 3 बार नितिन गडकरी जी से मिले, गवर्नर साहब से मिले। जो श्रीमान बलदेव शर्मा जी का बयान, वो उनका अपना पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान
रोहित दुबे जी हैं, वो पूरे तरीके से कटरे के साथ खड़े हैं। कटरे के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कटरा के जो निवासी हैं वो केवल वहां अपना बिजनेस या कारोबार नहीं चलाते हैं, वो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को संपूर्ण करने में अपना योगदान करते हैं। कटरा वासियों के बिना यात्रा कभी संभव नहीं हो पाती, इसलिए कटरा निवासियों के हर एक मांग के साथ हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और ये मसले सारे हल हो। हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान रोहित दुबे जी लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात कर चुके हैं। मैंने भी गवर्नर साहब से बात की है। हमारी पूरी कोशिश है कि कटरा के जो वासी हैं उनकी जो बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड्स हैं वो उस पर बोला होना चाहिए। चलिए, भाजपा में शामिल कर दिया जाता है। थैंक यू।